इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है और एक तरह से ये तोहफा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी, क्योंकि ड्रेसेस, स्वेटर, जूते, मोजे, बैग खरीदने के लिए स्टूडेंट्स को ये धनराशि दी गई है। बच्चों के परिजनों के खाते में 1100 रुपए डाले गए हैं और इसका जो लाभ मिलेगा 1,80,00,000 इससे लाभार्थी अभी बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन लाभार्थियों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की गई है। बेसिक स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा, बच्चों के परिजनों के खाते में 1100 रुपए डाले गए हैं जिसका इस्तेमाल स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और बैग खरीदने के लिए अभिभावक कर सकते हैं। आज बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में नजरिया बदला है। मुझे याद है जब हम लोगों ने जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान चलाया था, तब बेसिक शिक्षा परिषद में 1,30,00,000 के आसपास बच्चे उस समय अध्ययनरत थे और कोरोना कालखंड को छोड़ दें तो 2020 के प्रारंभ में ये संख्या बढ़कर के मात्र 3 वर्ष में ही 1,81,00,000 तक पहुंच गई थी। यानी ये संख्या 50,00,000 से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी मात्र 3 वर्ष में, यह बेसिक शिक्षा परिषद के उन्नयन और प्रगति का एक बेहतर प्रदर्शन भी करता है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालय, या आज कहीं भी आप जाएंगे तो विद्यालय देखने को मिलेंगे। मुझे अक्सर फील्ड में जाना होता है, मैं देखता हूँ कितना अंतर आया है। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय अलग दिखाई देते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 करोड़ के